जिंदगी में चटखारा लेने का जो मजा है वो भला मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। रायपुर का कोई भी चटखारा नहीं छोड़ने के फैसले के साथ मैं पहुंचा राठौर चौक, जहां कचौड़ियों और समोसे को देखकर मेरा मन लालच आह लप लप करने लगा। हमारे कैमरा पर्सन होरीलाल के साथ मैं वहां पर रुका। भले ही गले की हालत थोड़ी खस्ता थी मगर चटखारा लेने में कोई बुराई नहीं थी। सभी चटोरों को अमित शर्मा यानी कि आपके चटोरे का चटपटा सा हेलो। आज मैं खड़ा हूँ राठौर चौक के साहू नाश्ता सेंटर पर, जहाँ की कचौड़ी बहुत ही फेमस है। और कचौड़ी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि समोसे का चटखारा यहाँ पर लोगों की जुबान पर कैसा चढ़ता है। समोसे का चटखारा ले रहे आशीष जी यहाँ कई सालों से लगातार आ रहे हैं, और जानिए कैसे समोसे की महक उन्हें बार बार यहाँ आने को मजबूर कर देती है। मैं आ रहा हूँ यहाँ नाश्ता करने में। आज भी स्टेशन यहाँ का वैशिष्ट है जैसे था, बड़ी दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं कचौड़ी या समोसा खाने के लिए। अभी मैं समोसा खा रहा हूँ, यहाँ का अच्छी क्वालिटी का एकदम स्वाद बढ़िया बेस्ट है। आज भी पुराना स्वाद वैसी है। साहू जी के यहाँ रायपुर ही नहीं बल्कि बाहर से भी चटोरे आते हैं। आबिद जो कि खुद दुर्ग से हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ हर वीकेंड यहाँ की कचौड़ियाँ चट करने आते हैं। ये मेरे दोस्त लोग हैं, हम ये ऑन डिमांड दुर्ग से यहाँ से सिर्फ नाश्ता करने हैं, सिर्फ नाश्ता करने के लिए स्पेशल। हम लोग 2 साल से यहाँ पे आ रहे हैं, लगभग हर वीकेंड पे आते हैं। जी हाँ, यहीं पे पिछले 24 सालों से अपने कचौड़ी समोसों से रायपुर वासियों को चटोरा बनाने वाले साहू जी से हमने खास बात की, और बातचीत में हमने जाना कि सिर्फ रायपुर वासी ही नहीं बल्कि अफ्रीका तक इनके स्नैक्स एक्सपोर्ट होते हैं। हाँ, यकीन नहीं होता तो खुद सुनिए। 1992 1 अप्रैल से चालू हुआ, और उसी समय चालू 92 में चालू किया, उस समय ठेले में थे। धीरे धीरे रूप बढ़ते गए और मतलब वहीं से बढ़ रहे। कुछ नहीं, सब अपना हाथ का हुनर है। बहुत दूर से आते, बॉम्बे दिल्ली यहाँ तक का आपका माल जाता है, अफ्रीका भी निकलता है जाता है, फ्लाइट से जाता है, मतलब बहुत दूर दूर से लोग हैं। हम तो नहीं बोलते लेकिन कस्टमर बताते हैं ऐसा है। आखिर इतने देर तक पेशेंस रखने के बाद मेरे सब्र का डैम सब्र का बांध टूटा, और ये बांध टूटते ही मैं कचौड़ी पर टूट पड़ा। आह, वो चटखारेदार कचौड़ियों का क्या स्वाद था। तो बहुत ही चटखारेदार कचौड़ी इस वक्त मैं यहाँ पर खा रहा हूँ साहू नाश्ता सेंटर की। बेसन में काली मिर्च, जीरा और अमचूर के मिक्सचर से इसका मसाला तैयार किया जाता है, और साथ में चटखारे के लिए ऊपर से लौंग सेव छिड़की जाती है जिससे इसके चटखारे में 4 चांद लग जाते हैं। कचौड़ी का चटखारा तो ले रहा हूँ लेकिन इसके बाद लूंगा समोसे का भी चटखारा। चटखारेदार चटखारा लेना है तो आप भी जरूर आएं राठौर चौक के साहू नाश्ता सेंटर पर। तो क्लिपर 28 में फिलहाल चटखारे में बस इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे एक नए चटखारे के साथ।